Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. We worship you, Lord. We glorify your holy name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं. सारा आदर आपको देते हैं प्रभु जी. थैंक यू अब्बा फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सभी को परमेश्वर आपके हाथ में देते प्रभु जी. थैंक यू अब्बा फादर, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर, थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू लॉर्ड मास्टर. वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी प्रेज यू मास्टर, वी लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू फादर. धन्यवाद देते प्रभु जी, सारा आदर आपको देते प्रभु जी. थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस. खुदावन यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को अभिवादन सादर करता हूँ. सभी को शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का आशीष आपके ऊपर हमेशा बना रहे. ये सुंदर सा अवसर उस परमेश्वर ने इस वीकेंड में हमें दिया है, अब हम उसके चरणों में आकर उसकी इबादत आज कर सकते हैं. आज इस जीवतों की भूमि पर खुदावन ने हमें महफूज रखा है, ये उसका अनुग्रह है हमारे ऊपर. इसलिए उस पिता परमेश्वर को पवित्र आत्मा की अगुवाई में और यीशु नासरी के नाम में मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उसके नाम को ऊंचा उठाता हूँ. तो आइए अजीजों, फिर से एक बार आज की शाम के समय उस खुदावन की इबादत के लिए, उसकी खिदमत के लिए आइए हम आराधना में चलते हैं और आराधना का एक ही गीत गाएंगे और तुरंत हम प्रार्थना करके हम वचन की ओर चलेंगे. और जिस वचन का हम ये 12वां भाग देख रहे हैं, वेदी का महत्व, और उसके भीतर हम याकूब की वेदी देख रहे हैं और अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित कर रहे हैं. तो आइए हम उसी विश्वास के साथ आत्मा और सच्चाई से, आप जहाँ कहीं पर भी हो, शायद आप आपके घर में हो, तो आइए मेरे साथ आप भी आराधना में शामिल हो सकते हैं. वो जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हो. तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं. थैंक यू अब्बा फादर, थैंक यू मास्टर, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम. थैंक यू जीसस. Thank you, Lord. We worship you, Father. We praise you, Master. Thank you, Jesus. We love you, Lord. हम तेरी स्तुति करते पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर. हाले हाले लुया, हाले लुया, दया कर आज उसके और करीबाते हम, वो करुणा से नया दिन दिखाता है और हमारी ढाल बनकर हमें हर समय बचाता है. थैंक यू जीसस तेरी करुणा के लिए. थैंक यू मास्टर, वी वर्शिप यू. थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड.
से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बन कर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारू तू दौड़ आता है। जब मैं गिरू तू मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी ये जहां पे तेरे सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं है, हर समय अपने तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और केवल तेरे सामने सज्दा करते हुए अपने घुटने टिकाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, वी लव यू, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। उठने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। द्वारा हमने केवल स्तुति नहीं तो परमेश्वर आपकी बढ़ाई के साथ साथ दुआ भी किए। प्रभु इस स्तुति का बलिदान, ये ओठों का फल जो हमने आपके चरणों में आज चढ़ाया है, शाम के उस सुगंधी बलिदान के समान वो तुझे ग्रहणीय हो, ऐसा परमेश्वर तो आज तेरे उस संतुष्टि के द्वारा, तेरे उस प्रसन्न होने वाले चिन्ह के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा आज शाम के समय में हमारे जीवन में आज तू प्रकट कर, अब होने दे उसके द्वारा तेरी और तेरी महिमा। धन्यवाद राजा। सारे डिस्टर्बेंस यीशु नासरी के नाम में मैं बाइंड करता हूँ और सारे नेटवर्क प्रॉब्लम को यीशु नासरी के नाम में मैं डांटता हूँ, आज्ञा करता हूँ, इसी वक्त चले जाए यीशु के नाम में। अब प्रभु पूरा कलाम ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए सभी भाई बहनों के जीवन में तू काम कर। लुका रचित सुसमाचार 24:45 में तूने चेलों के मनों को खोला, यीशु नासरी के नाम में हर एक तेरे बच्चों के मन खुल जाए और तेरा कलाम उनकी रूह में गहराई तक चला जाए और वो कलाम उनके जीवन में परमेश्वर आशीष का कारण, मार्गदर्शन का कारण और मसीह के पीछे चलने का कारण बने। धन्यवाद यीशु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं।
आपका इकलौता पुत्र खुदावन यीशु मसीह, जो था, जो है और जो आने वाला अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, परमेश्वर का प्रिय मेमना, यहूदा का शेर, खुदा का कलाम और तेरा इकलौता पुत्र यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम सभी का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे और परमेश्वर ने फिर से एक बार ये सुअवसर दिया है कि खुदावन की इबादत हम कर सके। उसके साथ साथ मैं इस पेज के एडमिन पास्टर प्रिंस का भी मैं धन्यवाद देता हूं। उसी के साथ साथ सारे एडिक्टेड टू जीसस इस पेज के ऊपर जो यूथ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो। इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर का अद्भुत काम आपने किया है। इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा आपने रिवाइवल लाने के लिए जो मेहनत की है, निश्चित पहला करिन्थियों 15:58 के अनुसार प्रभु में आपके श्रम व्यर्थ नहीं है। आने वाले दिनों में आप सभी क्षेत्र की फसल काटोगे। आमीन। तो फिर से एक बार स्पेशली सभी जो भाई बहन पास्टर जी के साथ मिलकर इस सेवकाई में हाथ बटा रहे हैं, निश्चित जो काम आपने किया है, सारी दुनिया को एक ही जगह पे लाके रख दिया आपने, इसलिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आपको महिमा में लेकर जाए। तो आइए आजीजो, हम हमारे मूल विषय के पास चलते हैं। जो विषय हमने चुना है, वेदी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल्टर। अब उसके लिए हमने दो वचनों का चुनाव किया है। पहला वचन है निर्गमन 29:37, एक्सोडस चैप्टर 29 एंड वर्स 37। वहां पे बाइबल कहता है, सात दिन वेदी के प्रायश्चित के लिए, शुद्धिकरण के लिए सात दिन बताया गया है। अच्छी तरीके से शुद्ध करो और जब आप शुद्ध करोगे, उसके लिए प्रायश्चित करोगे, जब वेदी परम पवित्र हो जाएगी तो जो कुछ उससे छुएगा वो भी पवित्र हो जाएगा। यहाँ पे शुद्धिकरण और पवित्रीकरण हमें दिखता है। और वेदी के ऊपर, वेदी का जो मूल इस्तेमाल होता था, उस वेदी के ऊपर परमेश्वर के लिए जो बहुमूल्य बलिदान चढ़ाया जाता था, उसके लिए आग की जरूरत होती थी। अब उसके लिए हमने लेवियों का छठा अध्याय और वचन 13 को लिया है और वहां पे बाइबल कहती है, वेदी के ऊपर आग लगातार जलनी चाहिए, वो कभी बुझने ना पाए। तो वेदी का पवित्रीकरण और वेदी पर आग, अगर वेदी का पवित्रीकरण होना है तो उसके ऊपर पवित्रता की आग भी आनी चाहिए। केवल मनुष्य स्वभाव से या मनुष्य ने बोले हुए फायर से नहीं, तो उस वेदी के ऊपर एक सही आग जलनी चाहिए। और इस सब बातों को मैं अभी फिर से रिवीजन नहीं करूंगा। वेदी का नए नियम के अनुसार उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या होगा, जैसे पुराने नियम में मंदिर था, मंदिर का आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, है ना, ये तीन जगह थी। और आंगन में एक वेदी थी जिसे होम वेदी कहा जाता था और पवित्र स्थान में एक वेदी थी जिसे धूप वेदी कहा जाता था। अलग अलग प्रकार इस, ये टॉपिक इतना वर्ष इतना बड़ा है ना, इसको खत्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बहुत सारी बातें हम इसमें देखेंगे। आप जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक वेदी के बहुत सारे रेफरेंस पाओगे और इसलिए ये प्रीचिंग और टीचिंग दोनों चक्के चलने वाले हैं। आपको प्रीचिंग भी मिलेगा, आपको टीचिंग भी मिलेगा, आपको रेवलेशन भी मिलेगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगा। ये सारी बातें आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मिलेगा। इसमें लोगोस भी आएगा, इसमें रेमा भी आएगा और निश्चित ये कलाम आपके जीवन में मसीह कहलाने वाली चट्टान पर मजबूती से रुककर परमेश्वर की महिमा के लिए आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ आजीजो, अगर इस कलाम के द्वारा आप आशीषित हो रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि भले आप कमेंट नहीं करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि इस परिस्थितियों में परमेश्वर का प्योर कलाम, परमेश्वर का शुद्ध कलाम, परमेश्वर के अच्छे प्रचार बहुत कम सुनाई दे रहे।
इसलिए मैं चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, ताकि आपका शेयर करना किसी व्यक्ति के जीवन में आशीष का कारण बन जाएगा और वो व्यक्ति मसीह के पीछे चलता रहेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। आशीष मतलब कौन सी आशीष? धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकरी छोकरी, टीवी बीवी नहीं। सबसे बड़ी आशीष वो है जो व्यक्ति अपना जीवन मसीह के साथ ईमानदारी से निभाता है, जो व्यक्ति अपना जीवन मसीह के साथ बड़े सिंसियरली चलता है। हम कितने सीनियर है ना, उसको महत्व नहीं है। हम कितने सिंसियर है प्रभु के साथ, उसको महत्व है। हालेलुया। आपको इस कलाम के द्वारा आशीषित करेगा। और जो आधा घंटा हमारे पास अभी बचा है, उस आधे घंटे में हम कुछ बातें सीखेंगे कलाम के द्वारा, और परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। और जब हम इन बातों के ऊपर गहराई से सोचते हैं, नए नियम में फिर वेदी किधर है? जैसे पुराने नियम में मंदिर का जो कंसेप्ट था या जो ढांचा था, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान है, वैसे ही नए नियम में मंदिर का एक कंसेप्ट है। अब वो मंदिर कौन है? मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं देरी होगी रजा। मैं, आप जो यीशु में विश्वास करने वाले, उद्धार पाए वाले, उद्धार ना पाने वाले, वो भी मंदिर है। उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति एक खंडर मंदिर हो गया है, लेकिन उद्धार पाया हुआ मंदिर पवित्र मंदिर बन जाता है। अब उस मंदिर में, जैसे पुराने नियम के मंदिर में आंगन पवित्र स्थान पवित्र स्थान था, वैसे नए नियम के मंदिर में शरीर दिखता है, जीव दिखता है, आत्मा दिखता है। वही शरीर आंगन को दर्शाएंगे, वही जीव को या हृदय को आप पवित्र स्थान कह सकते हो, और वही आत्मा को आप अति पवित्र स्थान कह सकते हो। हालेलुया। जैसे विजय बेनेडिक्ट का एक मस्त सॉन्ग था, मैं भी वर्षिप में उसको लेते रहते, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको, तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते, ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हालेलुया। वो अति पवित्र स्थान में कब काम करेगा? जब हम आंगन से शुद्ध होकर, पवित्र स्थान से शुद्ध होकर हम अति पवित्र स्थान में पवित्रता में पहुंचेंगे। इसीलिए फिर वो वेदी किधर है? तो इस जीवित शरीर में, इस जीवित मंदिर में हमारी मन की वेदी, उसी को आप होम वेदी बनाओ और उसी को आप धूप वेदी बनाओ। इसी मन के अंदर के गलत बातों को, उन सभी बातों को जलाकर भस्म कर दो, और इसी मन से आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को सुगंधित धूप के जैसी प्रार्थना और आराधना चढ़ाओ। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। और जब हम इन बातों पर गहराई से चले, जब हमने नूह के जीवन से देखा, इब्राहिम के जीवन से देखा, इसहाक के जीवन से देखा, और अभी हम देख रहे हैं इस 12वें पाठ में याकूब के जीवन से, याकूब हमें क्या सिखा रहा है? जो वेदिया हमने इब्राहिम बाबा के जीवन से देखी है, वही वेदिया हमें इसहाक और उसके बाद इब्राहिम का पोता याकूब के जीवन में हमें बहुत ही सिमिलरिटी दिखती है। और जिस तरीके से इब्राहिम बाबा जैसे कस्तियों के उस देश से निकल कर आए थे,
उसी के तरीके से जैसे याकूब अपने भाई के डर से अपना मामा लामान के वहाँ पदम आराम में गया था, वहाँ भी उसको एक बड़ा परिवार मिला। ऐसा बड़ा परिवार किसी को मिलेगा ही नहीं शायद। दो बीवियां नहीं, उसके साथ एडिशनल दो। हालेलुया, बाय टू गेट वन गेट टू, ऐसा हो गया। और उसके साथ साथ एक दर्जन भर बच्चे, बड़ी भेड़ बकरियां, ये सारा घर परिवार लेके जाते टाइम वो कहता है कि खुदावन में केवल एक लकड़ी लेके गया था, लेकिन पदम आराम से जब मैं कनान की ओर आ रहा हूं तो परमेश्वर तूने मुझे इतना आशीषित किया। ये याकूब जब लौट कर आता है, जैसे कसदियों के देश में से, जैसे हरान से, जैसे इब्राहिम जिस तरीके से कनान में आए, उसी तरीके से परमेश्वर याकूब को कनान से पदम आराम लेकर गए। और पदम आराम से जब वो कनान की ओर आ रहे थे, और जिस तरीके से इब्राहिम बाबा ने अपने परमेश्वर के लिए वेदियां बनाई थी, वैसी ही वेदियां उसी जगह पर याकूब उस वेदी के ऊपर गया। हालेलुया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार बात आप इसके द्वारा, आशीष के द्वारा पाओगे। इसलिए मैंने कहा था ये प्रीचिंग के साथ टीचिंग भी है, लोगोस के साथ रेमा भी है। हालेलुया, आपको रेवलेशन भी मिलेगा और आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेगा। आमेन। और जब हम चलते हैं याकूब के जीवन से, जहाँ पर हमने पिछले शनिचार को या लास्ट सैटरडे को जहाँ पे हम रुक गए थे, चलो उन्हीं बातों के ऊपर हम फिर से चलते हैं। याकूब जब उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं, जब वो पदम आराम से जब आया, तब उसके भाई के प्रति उसके दिल में डर था, उसका भाई ऐसा उसको मार दे। तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर के दूत वहां पे मिलने आए, जहाँ पर उसने महानाइम नाम दिया, परमेश्वर के साथ उसकी बातचीत हो गई। और परमेश्वर ने उसको वहां पे पनियल के पास दर्शन देकर याकूब को इसराइल बोल के घोषित किया। ये सारी घटना आपको पता है, इसलिए मैं रिवीजन में नहीं जाऊंगा। उसके बाद याकूब, बाइबल कहती है जब वो पदम आराम से, उत्पत्ति का 33 अध्याय वचन 18 19 और 20 को हम पढ़ेंगे, फिर आगे चलते हैं। Genesis chapter 33 and from verse 18 to 20. याकूब जब पदम आराम से आया, उसने कनान देश में शकेम नगर के पास कुशल और शेम पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तब्बू खड़ा किया था, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीता को मोल लेकर उसने वो खरीद लिया था। ओके, 20 वचन कहता है, वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इसराइल रखा। इसका अर्थात, उसका मीनिंग होता है ईश्वर इसराइल का परमेश्वर। ये पहली वेदी हम अगर कंपेयर करेंगे, अगर इब्राहिम बाबा के साथ, वो हमें उत्पत्ति का 12 अध्याय वचन 6 में दिखता है, जहाँ पे शकेम में मोरे का बांध वृक्ष है, वहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम को जहाँ दर्शन दिया था, वहाँ पे इब्राहिम ने वहाँ पर परमेश्वर के लिए पहली वेदी बनाई, जो वेदी को ऑल्टर ऑफ विजन कह सकते हो, दर्शन की वेदी कह सकते हो। लेकिन कुछ लोग दर्शन की वेदी पर ही सालों से अटके हुए, लेकिन वो दर्शन को पूरा करने के लिए हमें शकेम को छोड़कर हमें बेथेल की ओर आना होगा। आज बहुत सारे लोग अपने शकेम में ये वो कहते हैं, हमारा बड़ा विजन है। अरे विजन 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 20 साल से विजन ही बोल रहे हो, लेकिन विजन पूरा कब होगा? जब आप आपके शकेम को छोड़कर बेथेल में आओगे। शकेम का मतलब है खंदा, शोल्डर। शकेम का मतलब आता है बिब्लिकल बेस पे शोल्डर। आपके कांधों के ऊपर परमेश्वर जब दर्शन देता है, तो आप उस दर्शन को कांधों पे लेकर आपको बेथेल में आना होगा। और बेथेल का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति की जगह। चलते आगे। ये होने के बाद याकूब वहां से आगे निकला। उत्पत्ति का 35 अध्याय Genesis 35 and from verse 1, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेथेल को जा, शकेम से निकल के बेथेल की ओर जा, और वही रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने उस समय दर्शन दिया। अभी यार थोड़ा सा मैं आपको ट्रिनिटी का टीचिंग देना चाहता हूँ।
जो लोग त्रैक्य परमेश्वर को विश्वास नहीं करते ना, उनके आप जाके बताओ यहाँ पे त्रैक्य परमेश्वर का यहाँ पे एक जिंदा उदाहरण दिखता है। क्या बताए? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल जा, वहां पर परमेश्वर के लिए मंदिर वेदी बना। परमेश्वर परमेश्वर के लिए वेदी बनाने की बात करता है, लॉर्ड गॉड के लिए वेदी बनाने के लिए बात कहता है। ट्रिनिटी के दो पार्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे। बाइबल आगे कहती है, एसाव के डर से तू भागा जाता था, तब याकूब ने अपने घराने से और सब उन सब लोगों से उनके संग थे, तुम्हारे बीच में से जो पराए देवता है उन्हें निकाल फेंको, अपने को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो, आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन में मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप नए नए विश्वासी होते हैं, जब आप शेकेम में आते हो, शेकेम में आपको परमेश्वर स्वप्न का दर्शन देगा, शेकेम में परमेश्वर शायद आपको दर्शन की भविष्यवाणी भी देगा, लेकिन आपको शेकेम को छोड़कर आपको आपके व्यक्तिगत जीवन की जांच करनी होगी। क्या मेरे भीतर ऐसे कोई पराए देवता है? क्या मेरे अंदर ऐसी कोई पराई मूर्तियां है जिसके वजह से परमेश्वर चाहता है? अगर तू शेकेम छोड़कर अगर बेथेल को आना चाहता है तो बेथेल को आने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है तीन चीजों की। नंबर वन, थ्रो ऑल आइडल्स। नंबर टू, सैंक्टिफाई योरसेल्फ। एंड नंबर थ्री, चेंज योर क्लोथ्स। तीन बातों को बताया गया है, पराए देवताओं को फेंको, दूसरी बात अपने आप को शुद्ध करो, तीसरी बात अपने वस्त्रों को बदलो, तब शेकेम से आप बेथेल की ओर कूच करोगे। आज बहुत सारे लोग मुझे आपको बता रहे हैं जो शेकेम से बेथेल आना चाहते हैं, लेकिन वो संडे को चल जाते, वो केवल संडे क्रिश्चियन रहते, मंडे को ये परमेश्वर, मंगलवार को वो परमेश्वर, बुधवार को वो परमेश्वर, गुरुवार को वो परमेश्वर, शुक्रवार को वो देवी, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों को, अलग अलग देवताओं को। बहुत सारी कलीसिया में ऐसी भीड़ है, बहुत सारी जगह पर ऐसे लोग है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में अगर आप शेकेम से बेथेल को जाना चाहते हो तो पहली आपके इधर यहाँ पे एक पहली बात आपको करना पड़ेगा, आपके जीवन में अगर कोई पराए देवता है उनको निकाल के फेंकना होगा, उसके बाद आपको शुद्ध होना होगा, और तीसरी बात आपको वस्त्र बदलना होगा। हालेलुया। फिर इसको हम नए नियम के अनुसार कैसे लेंगे? अभी आएगा यहाँ पर रेवलेशन। अभी आपको केवल मैंने लोगों बताया, अभी रेमा बताता हूँ। रेमा ये कहता है पराए देवता मतलब क्या, शुद्ध होना मतलब क्या, वस्त्र बदलना मतलब क्या। पराए देवता नए नियम के अनुसार, पराए देवता मतलब मूर्ति पूजा क्या है, उसका विवरण आपको कलीसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और वचन पांच में आपका उसका जिक्र वहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे पराए देवता मतलब मूर्ति क्या होती है, मूर्ति के बारे में बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं कलीसियों की पत्री तीसरा अध्याय वचन पांच। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार का पराया देवता। नंबर दो, अशुद्धता। नंबर तीन, दुष्कामना। नंबर चार, बुरी लालसा। नंबर पांच, लोभ। ये मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा के बराबर है। फिर अगर ये मूर्तियां है तो फिर मूर्ति पूजा कौन है? तो उसका जवाब आपको इफिसियों पांच पांच में मिलेगा। इफिसियों पांच पांच में बाइबल कहता है कि क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, जिसे मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिराश नहीं है। ये बात को गौर से सुनो। केवल रबर रबर करने से, बड़े बड़े बात चिल्लाने से, कलीसिया में आकर ठुमका लगाकर नाचने से कोई बेथेल नहीं जाएगा। अगर आपको सही रीति से बेथेल जाना है, अगर आप नए नियम का अगर एक एग्जाम्पल देखोगे, राजा ने बड़ा भोज रखा था। आपको पता है यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया, हम पढ़ेंगे नहीं, आप केवल समझ लो, क्योंकि आप इस ग्रुप के ऊपर बहुत समझदार और टैलेंटेड लोग हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने एक पैराबल बताया था, उस पैराबल में उसने कहा था, उस भोज में जब किसी व्यक्ति को खाने के लिए दावत दी गई थी, वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जिनके वस्त्र बराबर नहीं थे,
इसलिए उनको उठाकर जहाँ पे दांत पीसना है, जहाँ पर अंधकार की कोठड़ी में, वहाँ पे अंधकार में गिरना पड़ेगा, वहाँ पे डाल दिया गया। क्यों? वो दूल्हे के दावत में आए थे, लेकिन जो बाराती बनकर आए थे बाराती का वस्त्र नहीं था। हमारा दूल्हा जल्दी आ रहा है, अब वो बाराती को लेकर जाएगा। आज मुझे आपको बताना है, उस दुल्हन को लेकर जाएगा जिसके वस्त्र वचन रूपी जल स्नान से, यीशु मसीह के लहू से, पवित्र आत्मा की उस पवित्र सामर्थ से, जिनका जीवन धुला हुआ शुद्ध पवित्र है, उन्हें वो लेकर जाएगा। कोई डिनोमिनेशन को वो लेके नहीं जाएगा, ना सीएनआई जाएगा, ना बैप्टिस्ट जाएगा, ना कैथोलिक जाएगा, ना पेंटिकॉस्टल जाएगा, ना कोडी जाएगा। उसमें वही व्यक्ति जाएगा जिसने अपने जीवन में से पराए देवताओं को फेंक दिया है, जिन्होंने अपने जीवन को शुद्ध किया है, जिन्होंने अपने पुराने वस्त्रों को निकाल कर उद्धार के वस्त्र पहन लिए है, वही लोग शेखेम से बेथेल को जा सकते है। हालेलुया। आज इन बातों को आपको बहुत गहराई से सोचना होगा, ये मैंने आपको रेमा बताया है। हालेलुया। आज हमको इन बातों को बहुत समझना होगा। आप अगर और एक एग्जांपल देखेंगे, जब बार्तोमस यीशु मसीह के पास आया, जब बार्तोमस को यीशु मसीह के पास बुलाया गया, तब वो यीशु के पास आया तो बाइबल कहता है बार्तोमस वहां से उठा और उसने अपने वस्त्र फेंक दिए। बार्तोमस ने अपने भीख मांगने वाले वो गुलामी के शापित वस्त्रों को फेंक दिया, क्योंकि उसको पता था कि अभी मुझे ये वस्त्रों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो राजा है, वो मुझे राजकुमार का चोला पहनाने वाला है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, मुझे आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, बहुत सारे लोग शेखेम का दर्शन पाते हैं, लेकिन दर्शन पाने के बाद अपने जीवन में जो भी व्यभिचार की बातें, अशुद्धता की बातें, और सबसे बड़ी बात उसमें लालच की बातें, इन बातों के पराए देवताओं को अपने मन मंदिर में रखते हैं और परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं। मुझे आपको बताना, ऐसा व्यक्ति बेथेल नहीं जा सकता है, ऐसा व्यक्ति यीशु के साथ रैप्चर में उठाया नहीं जाएगा। हालेलुया। इन बातों को आपको बहुत ही गहराई से सोचना होगा। अब जब हम इस मूर्तियों के बारे में जब देखते हैं, तो यहेजकेल नबी भी हमें कुछ बात बताता है। यहेजकेल नबी का किताब यहेजकेल उसका 14 अध्याय और वचन 4 से आगे वो देखो क्या कहता है, पढ़ेंगे हम। इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यो कहता है, इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। अभी हमने 5 ही मूर्तियों को देखा, कलुसियों 3:5 में व्यभिचार, अशुद्धता, बुरी लालसा, कुवासना और लालच। यहाँ पे परमेश्वर कहता है उनकी मूर्तों के नंबर के अनुसार, अंकों के अनुसार मैं उन्हें उत्तर दूंगा, जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हीं में मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। आगे 7 पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे। क्योंकि इसराइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी हो लेना छोड़कर अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके अपने अधर्म के कारण ठोकर अपने सामने रखे, तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। मतलब यह उत्तर क्या मिलेगा? यह उत्तर न्याय का उत्तर होगा। आज यीशु मसीह ने नए नियम में यह भी बात कही है, मनुष्य अपने मुख से जो खाएगा उसके द्वारा उसका शरीर भ्रष्ट नहीं होगा, लेकिन अंदर से जो बाहर आएगा वो उसके जीवन को भ्रष्ट करेगा, कलंकित करेगा। आज मेरे मन की वेदी के ऊपर, मेरी मन की वेदी है, लेकिन उसको मैं शुद्ध कर रहा हूँ क्या? वचन रूपी जल स्नान से, यीशु मसीह के लहू से और पवित्र आत्मा के उस शुद्ध जल से क्या मैं आज मेरे मन की वेदी को शुद्ध कर रहा हूँ? जैसे गीत मैंने शुरुआत में गाया था, फिर से उसमें का एक मैं अंतरा गाना चाहता हूँ। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे, बदल दे, प्रार्थना है हमारी आ
मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। उस वचन के पवित्रता से, पवित्र आत्मा के जल स्नान से, यीशु मसीह के लहू से जो अपना जीवन, जो अपना चोला, जो अपने वस्त्र को शुद्ध करेगा, जो अपने वस्त्र को सफेद करेगा, वही शखेम से बैतल जा पाएगा। मुझे आपको इस बातों से बहुत गहराई की बातें बतानी है अजीजों। शायद ये संदेश आपके लिए चंगाई के बारे में नहीं बता रहा होगा, शायद ये संदेश आपको प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं बता रहा होगा, शायद ये संदेश आपको कोई भविष्यवाणी नहीं देता होगा, लेकिन ये संदेश आपको संकेत दे रहा है कि हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो खुद कहता है बी होली बिकॉज आई एम होली, पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज आपको इन बातों के ऊपर बहुत गहराई से सोचना होगा। हम सब जान रहे हैं कि यीशु का आना बहुत नजदीक है, लेकिन क्या उसका आना मेरे लिए प्यारा है? उसका आने के लिए मैं तैयार हूँ? क्या वो आएगा तब वो मुझे उठाएगा? वही उठा ले जाएगा जो शखेम से निकलते वक्त अपने पराए देवताओं को, अपनी मूर्तों को, अपने गलत स्वभावों को, अशुद्ध बातों को, व्यभिचार की बातों को, जो भी परमेश्वर को अच्छा लगता नहीं, वो सारे पराए देवताओं के स्वभावों को वो जब तक फेंकेंगे नहीं, तब तक वो शुद्ध होएंगे नहीं, तब तक वो वस्त्र बदलेंगे नहीं। यहाँ पे भी तीन बातें हैं, फेंकना, शुद्ध होना और बदलना। ये तीनों बातें हमें हमारे जीवन में से आज बहुत जरूरी है। हमारे मन मंदिर में अगर गलत पराए देवता है, गलत धारणाएं है, उनको बदलना होगा। और कहीं ना कहीं आज हम एक अच्छी शुरुआत करते हुए शुद्धता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उद्धार के धर्म के वस्त्र पहनकर हमें यीशु के पीछे चलना होगा। हालेलुया। चलते हम उसी पॉइंट पे जहाँ पे याकूब ने उसके लोगों को वो बात कही। क्या कही बातें और क्या हुआ आगे? उत्पत्ति 35 अध्याय वचन 3 में याकूब ने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि जब उसने ये बात कही और आगे जाकर 3 वचन कहता है, अब आओ हम यहाँ से निकलकर बेथेल को जाए, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन में सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उस मार्ग से आज परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। 4 वचन कहता है, इसलिए जितने पराए देवता उनके पास थे और जितने कुंडल कानों के अंदर भी कुछ अन्य जातियों की उपासना कम, मुझे आपको बताना है जो स्त्रियां कानों में पहनती है ना, उन्होंने देखना चाहिए कि आपके जो कानों के इयररिंग्स है वो केवल एक इयररिंग्स है, क्या ये कोई अन्य जाति के देवताओं को प्रसन्न करने वाले झुमके है? उन बातों को भी देखना होगा क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी मार्केट में आई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक गवाही है, मैं बताना चाहता हूँ इस पॉइंट को आकर। वो गवाही ऐसी है कि किसी स्त्री ने, मुझे एक्चुअली वो ज्वेलरी का नाम पता नहीं, लेकिन वो ज्वेलरी जो है वो ज्वेलरी अन्य देवताओं के नाम से बनाई जाती है। फिर गले का हार हो या नेकलेस हो, कान के बाले हो, झुमके हो, नाक की नथनी हो, जो भी स्त्रियां जो गहने पहनते हैं वो गहने हैं, वो पंचांग के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार पराए देवताओं को खुश करने वाले गहने हैं। वो गहने ऐसे दिखने में समझ में नहीं आती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ही सूक्ष्म रीति से उन चिन्हों का दाग लगाया जाता है, उन चिन्हों का वहां पे एक प्रकार से ट्रेसिंग किया जाता है। और ऐसा हुआ अमेरिका में से किसी लेडी ने, विश्वासी है, उसने भारत में से कुछ गहने उस प्रकार के मंगाए, उसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि यह अन्य देवताओं को दर्शाने वाले गहने हैं। उस स्त्री को जिस दिन वो पार्सल उसको अमेरिका में मिला, उसने जिस दिन अपने गले में वो हार पहना, कानों में वो झुमके पहने, क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। वो स्त्री के घर में उसके पति के साथ एक घमासान झगड़ा शुरू हो गया, घर का वातावरण पूरा बिगड़ गया और उनको समझ भी नहीं आ रहा, प्रार्थना करने वाले लोग, इंडियन लोग, लेकिन
उन्होंने वो जो ज्वेलरी का नाम मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा उसको क्या कहते, लेकिन ये सारे नक्षत्रों के ऊपर से बनाई हुई ज्वेलरी थी। और ऐसा हुआ कि जब उनके घर में नौबत इधर तक आई कि पति पत्नी अलग होने के पायदान पर आ गए थे, और किसी ने उनके रिलेटिव ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ मास्टर जी, हमने यहाँ से वो गहने को पार्सल करके दिया, उसी टाइम से झगड़ा शुरू हुआ। मैंने कहा वो गहने कहाँ से लिए, तो पता चला कि उस जगह से जहाँ पे ज्योतिषी विद्या से नक्षत्र के ओर से उन गहनों को बनाया गया था। अब वो गहनों को जब भेजा एक विश्वासी के जीवन में, ये पराये देवता गहनों के माध्यम से आ गए, ज्वेलरी के माध्यम से आ गए, और परिवार टूटने लगा। हमारा परमेश्वर परिवार जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। आज उस परिवार को मैंने गाइड किया, वो गहनों को पिघला दो, तुम्हारा जो दूसरा बनाना है वो बना दो, लेकिन ये गहनों को पहनो मत। उस दिन से उस परिवार के अंदर एक शांति, एक अमन और यहोवा शालोम नाम का हाथ उतर कर आया। यहाँ पे बाइबल कहती है जब उत्पत्ति का 35 अध्याय में जितने कुंडल उनके कान में थे उन सभी को याकूब को दिया, और उसने उनको बांध उसके नीचे शकेम के पास है वहां गाड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे याकूब ने उस सोने का लोभ नहीं किया, लालच नहीं किया। बहुत सारे लोगों का अरे यार इतना सोना ये लेकर आता है, इसको पिघला के दूसरा बना सकते थे ना, लेकिन याकूब ने जो पदम आराम से आए हुए पराए देवताओं के जो चिन्ह या जो भी वस्तु आती उसको गाड़ दिया। मैं आज आप यहाँ पे बता चौथी बात करूं आप, नंबर एक पराए देवताओं को फेंक दो, नंबर दो अपने आप को शुद्ध करो वचन और परमेश्वर के लहू से आत्मा के द्वारा, और नंबर तीन नए वस्त्र, आत्मा के वस्त्र, आनंद के वस्त्र, स्तुति के वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र, उद्धार के वस्त्र पहन लो। और चौथी बात यहाँ पे हमें दिखती है, और वो है जो भी पुराना है उसको गाड़ दो। और गड़े मुर्दे जो उखाड़ेंगे, मुझे आपको बताना है वो गड़े मुर्दों के पिशाच आपके जीवन में आकर काम करेंगे, उसके लिए कोई पास्टर जिम्मेदार नहीं रहेगा। जो गाड़ दिया फिर से वहां पे लौट कर मत जाओ। इन हालातों में, इस वायरस में कभी भी ऐसी बातों के पास लौट कर मत जाओ। जो पुरानी बातें बीत गई तो बीत गई, क्योंकि मसीह यीशु में हम सब मिलकर नई उत्पत्ति है। हालेलुया, उन सब बातों को गाड़ दिया गया। और वहां से बाइबल 5 वचन कहता है, तब उन्होंने कुछ किया। कब उन्होंने कुछ किया? जब उन्होंने पराए देवताओं को फेंक दिया, जब उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, जब उन्होंने नए वस्त्र पहन लिए, जब उन्होंने उन गहनों को, पराए देवताओं के गहनों को बांध उसके नीचे गाड़ दिया, तब उन्होंने शकेम से कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर के निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्र जो लेवी और शिमोन, जिन्होंने उनकी बहन दीना को शकेम के पुत्र ने जो खराब किया था, जाकर उस शहर के ऊपर जाकर हल्ला बोल करके उस शहर को उसने नेस्तनाबूद किया था। लेकिन जब इन्होंने शकेम छोड़कर जब गए, तो यहाँ पे एक बात हो गई, उन लोगों को याकूब के पुत्रों का डर बैठ गया। मुझे आपको बताना है, इसको मैं प्रोफेटिकली आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके बच्चे पुरानी जीवन को, दुनिया की बातों को, इन सब बातों को त्याग देंगे, और जब अपने शकेम से बेथिल की ओर कूच करेंगे, दुनिया के लोग आपके परिवार को देखकर, आपके बच्चों को देखकर, उनके जीवन में परमेश्वर यीशु का डर आएगा, और वो समझ जाएंगे हाँ इनका खुदावन जिंदा खुदावन है, जो यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया। अब ऐसा हुआ, वहां से आगे जब वो आए, बाइबल कहता है याकूब ने उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया, वह नगर बेथेल भी कहलाता है, वहां उसने एक वेदी बनाई और उसका स्थान रखा एल बेथेल, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भाग जाता था तब परमेश्वर ने उस पर वही प्रकट हुआ था। और आगे जाके रिबेका की दूध पिलाने वाली धाई दुबेगा थी, वो जो बेथेल में बांध उसके नीचे का जो भाग था उसको वहां को मिट्टी दी गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वेदी तैयार हो गई, वेदी तैयार होने के बाद दाई गुजर गई जो दूध पिलाने वाली थी, वेदी बन गई, ये दूसरी वेदी है। लेकिन ये बेथेल तक आने का कितना बड़ा परिश्रम करना पड़ा, शेखेम से बेथेल तक आने के लिए 4 बातें दिखती है हमें। यहोवा परमेश्वर पिता जहां पे वास करता है,
क्या तुम्हारी इस मन की वेदी में वो वास करे? गीत गाते हम ना, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु। मैं यहाँ पे एक मिनिस्ट्री को देखता हूं। गिनकर मेरे पास 5 से 8 मिनट बचे हुए। एक मिनिस्ट्री को मैं देखता हूं, जो मिनिस्ट्री आज के सेवकों को करना चाहिए। फिर आप पासवान हो, आप प्रेरित हो, आप भविष्यवक्ता हो, आप सुसमाचारक हो, या आप कोई शिक्षक हो, अगर आप कलीसिया चलाते हो तो आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करनी होगी। थोड़ी बात में बताता हूं। यहाँ पे एक बात हमें दिखती है, जब शेखेम से बेथेल की ओर जब कूच किया जा रहा था, वहां पे 4 चीजें हुई। नंबर 1, पराए देवता का फेंकना। नंबर 2, खुद का शुद्धिकरण। नंबर 3, वस्त्र बदलना। और नंबर 4, जो पराए देवताओं के कुंडल थे या जो भी वहां के ट्रेडिशन की जो बातें थे उनको गाड़ना, मतलब फेंकना, धोना, बदलना और गाड़ना। ये 4 बातें जब आप करोगे ना, ये 4 बातों को जब आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे ना, आप बेथेल में कूच करोगे, जहां एल बेथेल का परमेश्वर बाहे पसारे आपको आपके आगोश मिलेगा। ये 4 चीजें बहुत जरूरी है, फेंकना, गौर से सुनो, धोना, बदलना और गाड़ना। ये 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 बातों को जब आप अप्लाई करोगे आपके जीवन में, तब जाकर आपकी मन की वेदी में बेथेल की वेदी बनेगी, जहां एल बेथेल का परमेश्वर आकर वास करेगा और तुम्हें पवित्रता की राह पे चलाएगा। फिर हमने फेंकना क्या है, वो 5 स्वभाव को हमने देख लिया है, सारे व्यभिचार की बातें, लालच की बातें, अशुद्धता की बातें, जो कलीसियों 3:5 में हमने देखा है। फिर धोना क्या है, हमारे जीवन को वचन रूपी जल स्नान से धोना होगा, क्योंकि यीशु मसीह उस दुल्हन को लेने के लिए आएगा जिसने अपने जीवन को वचन रूपी जल स्नान से, मेमने के लहू से अपने चोले को शुद्ध किया है, उसी को वो परमेश्वर लेके जाएगा। नंबर 3, बदलना, मतलब क्या बदलना, वस्त्र के ऊपर से आजकल के लोग एक दूसरे साधारण व्यक्ति दिखता है, जो अपने घर में बैठ के साधारण व्यक्ति सादे कपड़े पहनता है उसके ऊपर से आप दुनिया की तरीके से उसके अवकाश बता सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर यीशु के उद्धार का चोला गिरा हुआ है ना, स्वर्ग उसको सलूट करता है। हालेलुया। आप लोगों के रहन सहन के ऊपर मत जाओ, साधारण रहता है इसलिए उसका मतलब वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण परमेश्वर की इबादत करने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त दास होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे सेवक गलतियां कर रहे, वो शेखेम में से बेथेल में अपने चर्च में लोगों को लेकर आ रहे, वो लोग जो शेखेम के लोग जो बेथेल में आते, जिन्होंने पराए देवताओं को फेंका नहीं होता है, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया होता है, जिन्होंने अपने वस्त्र बदले नहीं होते, केवल बपतिस्मा की डुबकी देने से कोई मसीह नहीं होता है। बपतिस्मा की सही परिभाषा ये है, शुद्ध मन से प्रभु का सुनना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना। मैं कितने बपतिस्मे दूंगा उसको मतलब नहीं, मेरी सेवकाई में बहुत बपतिस्मे दिए, मैं नंबर कभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर गिनती करने को नहीं सिखाता है मुझे,
जो भी करना है मेरे सामने गुप्त दर्शन दिशा में कर, और कोई बपतिस्मा का फोटो इस ऑनलाइन मीडिया में मत डालो। मैंने मेरी लाइफ में एक ही फोटो बपतिस्मा का डाला था, और वो फोटो मेरी माँ का मैंने डाला था, क्योंकि जिसके लिए मैं सालों से दुआ करता था। मेरी माँ ने प्रभु को ग्रहण किया और शिक्षा लेकर उसने बपतिस्मा लिया। एक ही फोटो मैंने सोशल मीडिया पे डाला, जिससे मुझे घमंड है कि मेरे परमेश्वर ने मेरी माँ का उद्धार किया और मेरी माँ प्रभु के राज्य में आई है। हालेलुया। आज मुझे आपको बताना है, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रोफेट्स आ चुके हैं जो शेकेम के लोगों को बताते नहीं है कि उनको पराए देवताओं को फेंकना होगा, उनको अपने जीवन को शुद्ध करना होगा, गलत गलत बातों से, गलत लतों से, अशुद्ध बातों को छोड़ना होगा, और तीसरी बात उनको वो पुराने वस्त्र, पुराने स्वभाव को, पुरानी आदतों के वस्त्रों को बदलना होगा और उद्धार का वस्त्र पहनना होगा, और चौथी बात उसके अलावा अगर कुछ सांसारिक बातें हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, जैसे याकूब ने उस बाल वृक्ष के पास शकेम में जिसे गाड़ दिया, आपको भी वो पुराने जीवन को गाड़ना होगा। बपतिस्मा की जो हम क्रिया देखते, जब डुबाते तो पुराना जीवन गाड़ना चाहिए, और जब बाहर आते तो पुनरुत्थान का सामर्थ लेकर बाहर आते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारी जगह पर मिक्स कलीसिया हो गई है, जैसे मिस्र से जब इजराइल लोग निकले थे उनके साथ एक मिश्र समुदाय था, एक मिक्सर क्राउड था, वो मिक्सर क्राउड ने उन्हें मूर्ति पूजा की और लेकर गए। मुझे आपको आगाह करना है, आपकी कलीसिया में आने वालों के लिए जो शकेम के दर्शन पाए हुए लोग, जिन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना है, उनको ये चार बातें बताओ। अगर आपको सच में बेथेल के परमेश्वर के पास आना है तो उस पराए देवताओं को फेंक दो, शायद भी वो मूर्तियां होगी या हमारे गंदे स्वभाव होंगे। अपने जीवन को शुद्ध पवित्र करो, अपने वस्त्रों को बदल दो, और उसके बाद जो पुरानी बातें उसको गाड़ दो, तब जाकर आप बेथेल में एल बेथेल की वेदी पर आओगे, और आपका जीवन ये मन का मंदिर, ये मन की वेदी एल बेथेल बन जाएगा, और उस एल बेथेल में परमेश्वर हमें दर्शन देगा। आइए आगे क्या वो पढ़ते हैं, नौ वचन बाइबल कहती है 35:9 में, फिर याकूब ने पदम आराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और परमेश्वर ने उससे कहा अब तक तेरा नाम याकूब रहा, पर आगे क्या तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इसराइल कहलाएगा। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम को देखता हूँ मैं, अच्छा 2 मिनट बचे मेरे, 2 से 3 मिनट। यहाँ पे फिर आगे ऐसा हुआ, फिर परमेश्वर ने उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, आई एम द ऑलमाइटी गॉड। ऑलमाइटी गॉड जो इब्राहिम को दर्शन देता था, निर्गमन 6:2 में मूसा को कहता है मैं तेरे पिता का ऑलमाइटी था, लेकिन मैं तेरा जहोवा हूँ, आई एम द आई एम। आगे बाइबल कहता है तू फूले बनेगा बड़े, और तुझसे जाति वरन जातियों में की मंडली उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। याकूब कनान में आया, कनान से फिर से मिस्र में गया, मिस्र से जब कनान में आया तो कुछ समय के बाद हमें याकूब के वंश में राजा दिखते, जो परमेश्वर ने बोला वैसे हुआ। हालेलुया। और आगे मैं थोड़ा सा वचन को पढ़कर रुक जाऊंगा। 13 वचन कहता है तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। आप कहेंगे क्या इसमें ऐसी बात, एल बेथेल में परमेश्वर उतरता है, परमेश्वर चढ़ता है। जब तुम्हारा और मेरा जीवन, तुम्हारा और मेरा परिवार एल बेथेल बन जाएगा, हम शेखेम से कुछ करके जब हम एल बेथेल में आते तो तुम्हारा और मेरा परमेश्वर इस बेथेल की वेदी पर उतरता भी है, चढ़ता भी है। जब उसको लगता है तब आके उतरता है, चढ़ता है। लेकिन नए नियम के अनुसार क्या होगा मालूम क्या, जब हम एल बेथेल को बनाते हैं तो एल बेथेल का परमेश्वर हमारे जीवन में रहने के लिए आ जाता है। हालेलुया। बेतलेहम में जन्म लेने वाला यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, जब हमारा जीवन, जब हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं और सारी पुरानी बातों को छोड़कर जब हम फेंकते हैं, जब हम धोते हैं, जब हम पहनते हैं, जब हम गाड़ते हैं, ये चार क्रियाओं को जब हम करते हैं, तब बेथेल का परमेश्वर हमारे जीवन को बेतलेहम बना देता है। हालेलुया। ये बेथेल की वेदी बहुत मजेदार वेदी है, जहाँ पे परमेश्वर का आना जाना रहता है, जहाँ पर परमेश्वर का वास होता है। और हमें जरूरी बात क्या है, मेरी जरूरी बात रोटी कपड़ा मकान नहीं, तो मेरी जरूरी बात, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। विदाउट प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑफ गॉड आई कांट स्पीक सिंगल वर्ड, उसकी हुजूरी के सिवाय मैं एक शब्द बोल नहीं सकता हूं। जैसे मूसा कहता है तू नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, खुदावन कहता है माय प्रेजेंस विल गो विद यू एंड गिव यू द रेस्ट, मेरी हुजूरी तेरे साथ आएगी और तुझे विश्राम देगी। मेरा जीवन वो बेथेल बन जाए जहां पे परमेश्वर उतरता रहे, चढ़ता रहे, वास करता रहे, मेरे इर्द गिर्द रहे, मेरे साथ चले, मेरे पीछे रहे, मेरे आगे चले, ऐसा परमेश्वर मुझे एल बेथेल में मिलता है जिस परमेश्वर पे मुझे गुरूर है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए लोगों को शखेम की चीजों को फेंकने के लिए नहीं कहते, करो करो ये भी करो ये भी करो, चलता है उनको चलता होगा लेकिन यहाँ पे बेथेल में नहीं चलता ये बात। हालेलुया। अगर बेथेल में आना है तो इन चार बातों को ध्यान रखना होगा। और कुछ बातें गहराई की हम अगले सैटरडे को देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बातों से परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है इसलिए वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खुदावन करे इस कलाम के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषित करे और आपका जीवन वो एक अच्छी शुद्ध पवित्र विधि के जैसे बना और वो बेथेल बन जाए, उस बेथेल में परमेश्वर आपके साथ बात करे, आपके साथ उतर कर आए, आपके इर्द गिर्द रहे, आपका एक अच्छी तरीके से ख्याल रखे, वो बेथेल का परमेश्वर आपको प्राप्त हो जाए जब आप बेथेल में आपकी वेदी को सुधार दोगे। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करो। मे गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। गुड नाइट।